हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लाए हैं, जिसमें है दियोमालाओं और दास्तानों में फ़र्क, डिफरेंस बिटवीन माइथोलॉजिकल टेल्स एंड लीजेंड्स। तो इसके डिफरेंस को बारे में जानेंगे कि माइथोलॉजिकल टेल्स और दियोमालाओं यानी दास्तान में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहला फ़र्क है दियोमाला और दास्तानों में फ़र्क, तो एक नंबर जो फ़र्क है वो है अहम किरदार, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेन कैरेक्टर्स। इन दोनों का मेन कैरेक्टर क्या है, दियोमालाओं और दास्तानों में क्या असल में क्या फ़र्क है, अहम किरदार क्या क्या है इसका, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले एक नंबर, रवायती किस्से में, रवायती किस्से से मुराद जो है माइथोलॉजिकल टेल्स मैं इंसानी मरकजी किरदार की हैसियत रखता है। इंसान जो है मरकजी किरदार की हैसियत रखता है, यानी इंसान को ही जो है मरकज बनाकर रखा जाता है, यानी इंसान के ऊपर सब कहानी शामिल होते हैं, उसको हम रवायती किस्से कहते हैं। पूरे कहानी जो इंसान पर निर्भर करता है तो उसको ही हम जो है रवायती किस्से कहेंगे। और किस्से इंसान की दिलचस्पी की सलाहियत के बारे में होता है, और इस किस्से में जो है इंसान की सलाहियत के बारे में हमको पता चलता है, किसमें, जो माइथोलॉजिकल टेल्स यानी रवायती किस्से हैं। जबकि फर्जी दास्तान से मुराद होता है आपका, जिसको इंग्लिश में लीजेंड्स कहते हैं। तो उसमें लीजेंड्स में जो है क्या होता है, लीजेंड्स में माफुकुल फितरत की ताकत, देवदाताओं की करिश्मा साजियों के बारे में होता है, पता चलता है इसकी मरकजी किरदार देव देवता होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि माइथोलॉजिकल टेल्स में इंसान मरकज की हैसियत रखता है, जबकि लीजेंड्स में जो है हम लोगों को किसकी पता चलता है, फर्जी दास्तान में जो है देव देवताओं की किस्से कहानियों के बारे में पता चलता है। तो याद रखिएगा कि जो माइथोलॉजिकल टेल्स है वो इंसान को मरकज बनाता है, और जो लीजेंड्स है वो है देव देवताओं को मरकज बनाता है। इसके बाद देखते हैं नंबर दो, बुनियाद, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेसिस। तो माशरे में ज़्यादातर रवायती किस्से कहानियाँ समाजी और तहजीबी अनासर की बुनियाद रखते हैं, बुनियाद पर होते हैं। माशरे में जो हमारे समाज में मतलब ज़्यादातर रवायती किस्से कहानियाँ जो है समाज या तहजीब की बुनियाद पर जो है होते हैं, जबकि फर्जी दास्तान में ख्याली कहानियों के जरिए मजहबी रस्म और रवाज की तफसील दर्ज होती है। ख्याली कहानी यानी लीजेंड्स में जो है रस्म और रवाज की तफसील दर्ज होती है। तो ये हो गया दो नंबर फ़र्क। इसके बाद देखते हैं नंबर तीन। तो यहाँ पर देखिए नंबर तीन में जो है वह है वक्त का ख्याल रखना, यानी टाइम फ्रेम। अगरचे रवायती किस्से बहुत दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वक्त का ख्याल रखते हुए हाल में इस्तेमाल होने वाली मुआजना की हुई है, जबकि देवताओं के किस्से का वक्त का ख्याल नहीं रखते हैं। मुआजना के वक्त हमेशा देवताओं की दास्तान के लिए वक्त का ख्याल का ताल्लुक कहानी की मुनासिब से होता है। तो ये हो गया नंबर तीन। इसके बाद देखते हैं नंबर चार। तो इसमें है इब्तदाई अनासिर यानी सब्जेक्ट मैटर, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है दोनों का असल। रवायती किस्से में यानी माइथोलॉजिकल टेल्स में मुख्तलिफ तरह के फर्जी या ख्याली और माफुकुल फितरी तफसीलात को इस्तेमाल करके कहानी को आगे बढ़ाया जाता है, जबकि फर्जी दास्तान में मुआजना की जरूरत पड़ने पर तफसीलात का इस्तेमाल होता है। तो रवायती किस्से में जो है माइथोलॉजिकल टेल्स में जो है कई बातों को जो है ख्याली बनाकर जो है पेश किया जाता है, लेकिन फर्जी दास्तान में जो है कोई भी बात जो है तफसीलात के बिना पर नहीं होता, यानी उसको जो है तफसीलात किया जाता है और पूरी तरीके से जांच किया जाता है इसमें। तो इसके बाद देखते हैं नंबर पाँच। तो नंबर पाँच में देखिए सेकेंडरी एलिमेंट्स, जिसको उर्दू में कहते हैं सानवी अनासिर। तो रवायती किस्से में आमतौर पर अहम किरदार तारीखी शख्सियात होती है, यानी तारीखी शख्सियात जैसे बहुत सारे शख्सियत है, रविंद्रनाथ टैगोर है, जगदीश चंद्र बोस है, ये सब शख्सियात के बारे में रवायती किस्से में दर्ज होती है। और रवायती कहानी को मुकम्मल करने के लिए बहुत सारे ख्याली किरदारों को इस्तेमाल किया जाता है, यानी बहुत सारे ख्याली बातों को बताया जाता है रवायती किस्से कहानियों में माइथोलॉजिकल टेल्स में, जबकि फर्जी दास्तान में माजी को समझने के लिए कुदरती मनाजिर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी फर्जी दास्तान में जो माजी को समझने के लिए मुख्तलिफ तरह के जो है सबूत पेश किया जाता है। तो ये भी एक फ़र्क हो गया इसके दरमियान। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं, नंबर छः, तहकीक शुदा होना यानी ऑथेंटिसिटी। तो आमतौर पर रवायती कहानियों की बुनियाद असल वाक़यात और वाक्य पजीरी है। आमतौर पर रवायती कहानियाँ जो है यानी माइथोलॉजिकल जो टेल्स है उसकी बुनियाद जो है असल वाक़यात और रवायती वाक्य पजीरी है, यानी जो कहानी है बुनियाद
जो है असल में पाया था उसी को जो है वकोपजी कहता है रवायती किस्से कहने में। रामायण में तमाम ख्याली तफसील के बावजूद तारीख दा का मानना है कि सालों से अयोध्या पर एक बादशाह यानी राम की हुकूमत है, जबकि देवता की दास्तान की बुनियाद असल तारीखी वाक़यात और साबित शुदा सच्चाई पर है। मिसाल के तौर पर हिंदुओं के फर्जी दास्तान के मुताबिक दुनिया गोल जैसा कछुआ की तरह है, लेकिन इसकी कोई सच्चाई नहीं है। तो इसमें पता यह चला कि तहकीक शुदा होने का मतलब यही है कि रवायती कहानी जो तहकीक शुदा होते हैं तभी बयान की जाती है, लेकिन जो जो दास्तान होते हैं फर्जी दास्तान जो है हमेशा फर्ज करके बनाया जाता है और इसमें कोई साबित सबूत जो है नहीं पाया जाती है। जैसे लोग पहले कहते थे कि दुनिया गोल गोल जैसा कछुआ की तरह है, लेकिन इसकी कोई साबित नहीं कर पाया फर्जी दास्तान ने। तो हम कह सकते हैं कि जो रवायती कहानी है उसकी बुनियाद जो है वाक़यात है, असल वाक़यात है, और जो फर्जी दास्तान है उसका कोई असल वाक़यात असल में नहीं पाई जाती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर आवर वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए हमारे चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल को ऐसे वीडियो को पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग। टाटा।